वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो सभी के मन में यही सवाल है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में बहुत सी गिरावट हो सकती है क्या, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि बहुत सा चौपिंग मूवमेंट देखने को मिला है पिछले एक महीने से, और बहुत सी गिरावट 2-3 महीनों में भी देखने को मिले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ बहुत सारे स्टॉक में देख सकते हो कि वीक मूवमेंट देखने को मिले। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक जो है वो यहाँ पे बहुत सी माइनस में चले गए, इसलिए यहाँ पे देख सकते कि डरने की मीन्स कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज वर्ल्ड में देख सकते हो कि बहुत से क्राइजेस चालू, इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते फर्क पड़ता जा रहा है। पर रिसेंटली जब सब ठीक होगा तो बहुत से अच्छा बाउंस बैक करेगा, एक अच्छा शार्पनेस भी देखने को मिल सकता है। पर रिसेंटली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के हम चार्ट पे एनालिसिस भी देखेंगे, उसी के साथ न्यूज देखेंगे किस वजह से यहाँ पे आप देख सकते मूवमेंट धीमे हो चुकी है, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे गिरावट हो सकती है क्या नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो फ्राइडे के दिन 182.80 पे क्लोजिंग दी थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने, तकरीबन 5.35 से की गिरावट हो चुकी थी, 2.82% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते कि आज का भी फ्राइडे का चार्ट देखा जाए तो बेरिश चार्ट था, पिछले 5 दिनों में भी देख सकते बेरिश चार्ट है, 1 मंथ की भी बात की जाए तो बेरिश चार्ट है, मंथ ऑफ जनवरी से भी देखा जाए तो यहाँ पे बेरिश चार्ट है, 75 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, 260 के ऊपर से गिरावट होती हुई नजर आ चुकी थी। 1 ईयर में देख सकते हो कैसे मूवमेंट रह चुके, एक अच्छा यहाँ पे शार्पनेस दिखाया था और उसी के साथ यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिली। तो मैक्सिमम चार्ट पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हो कि एक अच्छा स्टॉक 100 के नीचे था, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, एक अच्छा ऊपर भी चला गया था 300 लेवल तक, और उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली। तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है ज़्यादा कर, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पहले चार्ट एनालिसिस से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 डेट बर्डन, मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर ज़्यादा। यानी कि देख सकते हो बीटिंग 3 ईयर्स रेवेन्यू CAGR, मीन जो 3 ईयर का रेवेन्यू CAGR था उसको भी बीट किया है इस साल में, देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे देख सकते हो बेरिश मूवमेंट दिखाई देगी, क्योंकि सेलिंग सिग्नल है, इसके बेरिश दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से सेलिंग सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि 1 डे में कितना रिटर्न दे चुका है 3 माइनस में, पर यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर में 53% का रिटर्न दे चुका है, और 3 ईयर में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 252.92% का रिटर्न दिया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो करंटली यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में बहुत से गिरावट देखने को मिले पिछले 2 महीने से। पर करंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते फिर से बाउंस बैक हो सकता है क्या, सबके मन में यही सवाल है। तो रिसेंटली यहाँ पे गिरावट के बाद यहाँ पे देख सकते इतनी सी गिरावट हो चुकी थी, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि वीक नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इस मंथ में देखा जाए तो पहले हम मंथली चार्ट एनालिसिस चेक करेंगे, तो मंथली चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं इजीली कि ऐसी मूवमेंट रह सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चांसेस रह सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कोई भी सपोर्ट का चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते डायरेक्टली जो है यहाँ पे आप देख सकते 130 लेवल है, उसके पहले देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते मंथली जो प्यू था ईयरली का वो 213 के करीब था, तो उसको जो ब्रेक किया तब से यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिले, फिर से बाउंस बैक करेगा तो भी यहाँ पे 210 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस लग सकता है यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए। पर डेली में देखा जाए तो डेली चार्ट पर मैं देख सकते मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते कहाँ पे लग सकता है, तकरीबन देखा जाए तो यहाँ पे 80 लेवल जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्टिव रह सकती है, यहाँ पे देखा जाए तो 180 लेवल यहाँ पे आप देख सकते सपोर्टिव रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले भी आ चुका था 2 टाइम, अब भी 3rd टाइम यहाँ पे आप देख सकते 180 के पास आ चुका है। जैसे कि 180 को ब्रेकआउट मिलेगा तो और गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में, क्योंकि 180 लेवल पे भी देख सकते हो पहले ऊपर जब चला गया था तो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, तो उस लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के अंदर। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक फिर से बाउंस बैक होता है तो 194 लेवल जो इस मंथ में रजिस्टर्ड एक्ट हो चुकी थी, तो मंथली प्यूड भी देख सकते हो कि 195 के करीब है, तो वहीं पे रजिस्टर्ड लगने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं ऊपर जाता है तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बाकी के डिटेल भी देखेंगे। जैसे कि मार्केट कैप है 16,378 करोड़ का है, तो स्टॉक का पी देख सकते हो 54.1 है, बुक वैल्यू जो है 7.81 का है, और जो डिविडेंड भी ऑफर करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी कंपनी है। ROC देखा जाए तो यहाँ पे 64.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 49.5%,
जो ग्रोथ के लिए जो एक स्टॉक चाहिए ना सभी को, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो स्टॉक है वो ग्रोथ के लिए सही स्टॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू ₹1 का है, डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे डेट है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 303 करोड़ का प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो 426 करोड़ का सेल्स में से 300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, 75% के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है स्टॉक में। ईपीएस भी पॉजिटिव है 3.37, टोटल एसेट 1695 करोड़ के। सिर्फ यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे टेंशन लायक चिंताजनक जो है कि प्रोमोटो होल्डिंग अबाउट 0 है, तो बाकी के भी चीज़ें देखेंगे। उसके पहले टिकट ऐप पे नज़र डालते हैं, तो टिकट ऐप में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा चीज़ें सही रहेंगे। जैसे कि बेसिक में देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छी नहीं है करंटली, बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे देता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। बैंक एफडी की बात करने से पहले डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो एक अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर कर लेता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक, एंड सॉरी अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं करता है पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। और जो नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक ESM लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है, तो पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी में मुड़ता है स्टॉक, मिड कैप में मुड़ता है और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का स्टॉक है, ज़्यादा रिस्क स्टॉक में नहीं है। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट पे नज़र डाली जाए तो फॉरकास्ट में देख सकते हो 11 एनालिस्ट की राय ली गई थी, फिर भी आप देख सकते हो कि 11 में से सिर्फ यहाँ पे 36 एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। तो प्राइस फोरकास्ट पे नज़र डाली तो लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन बताई गई है यहाँ पे मीन्स आने वाले साल में, तो हाई जा सकता है 287 का ये हाई जा सकता है यहाँ पे इस साल में, तो मीन्स 57% ऑफ जा सकता है प्राइस फोरकास्ट के हिसाब से। न्यूज़ की बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं है, पर इवेंट की बात की जाए तो इवेंट में देख सकते हो जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन की बात की जाए तो कोई कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर भी अनाउंसमेंट की बात की जाए तो अनाउंसमेंट में भी कोई नहीं है, तकरीबन यहाँ पे जून 3, 2022 लेटेस्ट अनाउंसमेंट से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट कॉन कॉल मीन्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड दैट एक्सचेंज अबाउट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट है उनके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है और एनालिस्ट है उनके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है उनके साथ यहाँ पे बातचीत होने वाले। तो तकरीबन बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे देख सकते हो तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के जो बाकी के रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ें सही है, जैसे कि यहाँ पे प्रो में देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने डेट है लोन है वो कम किया है, ऑलमोस्ट लोन मुक्त कंपनी है। और जो कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में देख सकते हो कि कैसे प्रॉफिट ग्रोथ किया है, मीन्स यहाँ पे 24.98 यानी कि 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है एवरेजली पिछले 5 सालों में। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात की जाए तो पिछले 3 सालों में देख सकते हो एवरेजली 47.29% है। कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करता हुआ नजर आ चुकी है कंपनी। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो अच्छा खासा है पिछले 10 सालों में, जो कि बढ़िया कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाकी के पेयर कंपेरिजन में देख सकते हो कि बहुत सारे कंपनीज है, गुजरात गैस, पीबी पेंटेक है, CDSL है। तो CDSL की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, CDSL के बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो पहले अभी देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक का। तो मार्च 2022 के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स की बात की जाए तो सेल्स यहाँ पे कम हो चुकी थे पिछले क्वार्टर से, पर बाकी का जो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे तो नेट प्रॉफिट देख सकते 80 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 81 करोड़ था। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखोगे तो 47 से 60, 60 से 64, फिर 64 से 78 और 80 से 81। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EPS का भी ग्रोथ दिखाई दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो मार्च 2022 का यहाँ पे मीन्स यहाँ पे चारों क्वार्टर को एक साथ मिलाने के बाद जो है सेल्स देख सकते हो 426 करोड़ का हो चुका था, पिछले साल से बहुत ज़्यादा सेल्स हो चुका था। और जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे नज़र डालोगे तो नेट प्रॉफिट जो है 303 करोड़ का हो चुका था, जो यहाँ पे पिछले साल 203 करोड़ का था। मीन्स हर साल यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला गया है, 90 करोड़ से 100 से 104 से 132 से यहाँ पे 165 फिर 178 फिर 213 फिर यहाँ पे 303 करोड़ का। EPS भी देख सकते हो हर साल बढ़ता हुआ ऊपर चला गया है, तो जो ग्रोथ है कंपनी का भी बढ़ता हुआ जा रहा है।
तो कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ पे 22, पिछले 5 सालों में 16%। हालांकि अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ दिखा है पिछले 10 ईयर्स में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो 10 ईयर्स में 24% का है और पिछले 5 सालों में 25, मीन्स एक अच्छा यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। प्राइस का सीएजीआर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में 52%, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 ईयर्स में देखा जाए तो यहाँ पे एवरेजली मेंटेन किया है सब कुछ यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक ने। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।